हम तो थैर परदेसी। मतलब सबसे दुख इसी बात का होता है कि होटलर्स भाइयों का और जो फौज में जाते हैं उनका। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते, मेरा नाम है अनीता वगैरह, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 9 बजे से, जो कि अपने ही घर से, और अभी हमारी तैयारी हो रही लखनऊ के लिए जाने के लिए, मतलब जहाँ के हम कल गए थे। और इसके साथ साथ मैंने ये देखो लच्छी लेके आ रही है बैग, जो कि मामा जी का है। देखो वो ना शर्मा भी रही है। चलो दोस्तों आज ना मामा जी भी ड्यूटी पर जा रहे हैं, अपनी मतलब जर्मनी जा रहे हैं मामा जी। और क्योंकि जॉब करने के लिए हर किसी को जाना पड़ता है, चाहे मतलब होटलर्स द्वारा, मतलब सबसे दुख इसी बात का होता है कि होटलर्स भाइयों का और जो फौज में जाते हैं उनका ही ज़्यादा ही दुख होता है। मतलब मजबूरी में जाना है, मजबूरी में काम करना पड़ता है, क्योंकि परिवार को भी तो देखना पड़ेगा, ऐसे करके है। तो मामा जी और अभी आए नहीं है, लेकिन जब आएंगे देखते हैं कि यहीं से आएंगे कि क्या मालूम हम नीचे ही से ही जाएं लखनऊ के लिए, क्योंकि हम लखनऊ के लिए जा रहे हैं ना। तो क्योंकि कल भी गए थे और डेल क्या बताएं यार दोस्तों, आप लोगों को लखनऊ के लिए गए हैं तो थोड़ा बहुत इसे दिखाएंगे कि मामा जी आज अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, मतलब जर्मनी जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में मैं आदो देखो यहाँ पे क्या करे आदो, हैं किसके लिए बना रही चटनी? चटनी बनाऊं किसके लिए बना रही? चलो दोस्तों आ गए मामा जी, और देखो हमारे नाना जी भी जा रहे हैं बैग लेके। नाना जी ना दिल्ली तक एयरपोर्ट तक जा रही हैं, और नानी जी भी जा रही हैं, मतलब मामा जी की मम्मी जी भी, और मामा जी के चाचा जी भी जा रहे हैं छोड़ने दिल्ली एयरपोर्ट तक। जय परम पिता परमेश्वर, शक्ति देना भक्त देना पर मुक्ति मा देना भी, ये मेरे बहुत करना बाकी है। सिस्टम थोड़ा दही भी खाते हैं। ये अभी रो रही है, देखो देखो तेरी है, सदा स्वागत रहो, सदा स्वागत रहो। तरह से हुई मामा जी की विदाई घर से, मतलब इस तरह से की मामी जी ने मामा जी की विदाई जॉब करने के लिए। तो क्या करें यार, जॉब तो करना ही पड़ेगा। और मामी जी कसम, मामी जी के को देख के ना मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा रोना आया, क्योंकि मैं भी ऐसे ही रोई थी जब मेरे पति गए थे ना ड्यूटी, तब मैं भी ऐसे ही रोई थी बहुत ज़ोर ज़ोर से करके। क्या करें यार, ऐसा ही होता है यार, हर किसी के साथ होता है। और जॉब करनी भी ज़रूरी है, और वरना भी आ ही जाते हैं, क्या करें, तब खुद को संभाल नहीं पाते ना। और ज़्यादा करके ना वो इमोशनल होते हैं ना, बोलते हैं ना जिनका दिल छोटा होता बोला करके, तो ऐसे करके है। मामा जी तो आराम से करें ड्यूटी डाटी, तो कुछ तो ना अपने, हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो भाई सिस्टम ऐसा है ना, नौकरी करना बहुत जरूरी है, जब रोजगार है तब सब कुछ है, अगर रोजगार नहीं ना कुछ भी नहीं। हम 2 महीने घर रहे, अपने फैमिली साथ टाइम बिताया, अब हमारा टाइम हो जाने का, जाना पड़ेगा फिर। अरे यार दोस्तों जॉब करने के लिए तो जाना ही पड़ता है, हर किसी को जाना पड़ता है। तो मतलब जिस दिन मतलब घर आना है उस दिन की खुशी अलग ही होती है। और जब मामा जी भी ना मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो मामा जी भी आगे चले गए हैं। तो अभी लच्छी और मैं कांची जा रहे हैं हम लखनऊ के लिए, क्योंकि हम जाएंगे ना वहाँ मादार से, और वहाँ से कोई तो चला गया है, और साथ ही आरा देवी वहीं रह गए हैं। तो इनकी गाड़ी ना ऊपर से आ रखी है, ये चलती है। Thank you.
लोग हैं केवल पता ही कौन है मुझे, मेरे को भी पता नहीं। मामा जी जाया था वे चलो ठीक जा अच्छा 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 जा होता है आराम से करे तब ड्यूटी डाटे है बड़ा रोना आता है यार और किसी को नहीं। सबसे ज्यादा इमोशनल होती हूँ मैं खुद ही, मतलब मैं मतलब चाहे कोई भी हो मतलब मेरे ना पता नहीं क्यों होता है फिर ऐसे काम नहीं लग जाती हूँ मैं जब कोई भी जाता है तो माँ का समय मेरा ना अजीब सा होता है मैं ना सीधा रोने बैठती हूँ अभी ना बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाई हूँ मैं। ये रहा प्यारी मामी की क्या हालत हुई है, प्यारी मामी भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि यहाँ पे नहीं आई हूँ वो आती नहीं है और मैं भी वैसे आना नहीं चाहती हूँ लेकिन पतिदेव ना ज़बरदस्त लेके आते हैं मेरे को सड़क में सड़क में कंट्रोल नहीं होता है फिर रोने का। दोस्तों आज ना मैं ब्लॉग मतलब ज़्यादा देर तक नहीं बना पाई वहाँ पे क्योंकि ना मैं भी मतलब पता नहीं क्यों होता है यार मेरे साथ ऐसा, मतलब कि मेरे को ना अब खुद ही रोना आ जाता है बक 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 देश के। और जब इमोशनल रहते हैं ना सबके साथ मतलब वीडियो बनाने का तब मन ही नहीं करता है कुछ ऐसे ही करके। चलो अभी चलते हैं और आगे ना सब लोग चले गए दोस्तों चलते हैं मिलते हैं आपको घर आके ठीक है, क्योंकि कल मैंने लकड़ी का बता दिया था आप लोगों को और आज भी बताऊंगी फिर आप लोग बोलेंगे डेढ़ डेढ़ जंगल ही जा रही जंगल लेके जा रही हमको तो करा के मिलेंगे। तो दोस्तों जंगल से तो आ गए थे हम कब के और मतलब हो गए होगा हमें आधा एक घंटा और ना भी गई हूँ मैं और मैं आज देखो खेली वहाँ पे गुब्बारा लगाया ये देखो सब के सब लेटे यहाँ पे अब से गए और अब ना मतलब इसके बाद ना ऐसे ही लेटे रहते हैं कमरों में क्योंकि ना आजकल ना गर्मी होने लगा ही है। सब ने खाना खा लिया है लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं आ ना आई ना पहले हटो टो टो। तो आज ना हम थोड़ी जल्दी आ गए थे ना जंगल से तो इसलिए मैंने सोचा आ नहाती हूँ फिर खाना खाऊंगी बाद में। तो चलो खाना खाती हूँ बाद में मिलती हूँ आप लोगों को। अभी हमने लकड़ियाँ ना वहाँ पे बीन रखी है ऐसे ही रखी पड़ी है। देखो दोस्तों मैं भारती में बोल रही थी कहाँ ठिकेदार है मैंने कहा ये यहाँ पे रील्स बना रही चुन्नी चानी नए डाली है रील्स बना रही। ये देखो इतना बड़ा बगस खोला है इसने कपड़े निकालने के लिए बोला किस में मैं वीडियो बनाऊ किस में किस चुन्नी में वीडियो बनाऊ हिला गर्दन हिला गर्दन गर्दन हिला वीडियो बना रही। तो सुबह से लकड़ियों की बारे ने इस बल बहुत हो गए थकान हो गई बस तो थोड़ा उसे हटाने के लिए थोड़ा एक दो रील्स तभी बोलते हैं ना लड़कियों के लेवल लेडीज के लेवल कभी कपड़ों पूरे नहीं होते। तो मैंने ना आज तक मतलब अपनी लाइफ में कभी नहीं बोला कि मेरे पास कपड़े है कि नहीं है जो मिला वो पहना जो नहीं है वो होते है ना कोई कोई ऐसा जैसे कि ये दोनों ही है सबसे ज्यादा कपड़ों का दुख इसे है सब पुरानी हो गया नहीं सबसे ज्यादा दुख इसे ही है सही बात है दोस्तों ये आपको पुराने दिख रहे नए नए कपड़े निकाली है बस अब पुराने हो गए पुराने हो गए तो घर में पहनो भाई है ना दोस्तों घर के लिए बहुत है घर के लिए बहुत है वीडियो पे आप हमेशा देखते हैं जब भी कहीं जाते हैं अलग अलग सूट पहन के मेरा सूट हमेशा एक ही देखा होगा हाँ इसका तो ये कि जब लेके जाते हैं उसी को ही लेके जाते हैं वो भी दूसरे का है उस तब लेके जाती है जब दूसरे का है अपना होता तो उसे भी नहीं लेके जाते थोड़े पुराने टाइप के हो गए एक ही साथ के कपड़े हर साल एक साथ के मेरे हैं एक ही साथ के उसके भी आप सब तीनों के कपड़े एक साथ लाए थे हमने पर तुमसे ज्यादा मेरे कपड़े यूज हुए तो मजा आया करो ना घूमने पूरा कपड़ा खराब घूमने मजा आया करो है ना दोस्तों मेरी तरह रहो इसे ना वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला ये बोल रही कब जाएगी भाभी बाहर कब जाएगी भाभी बाहर बाहर जा रहे हैं बहुत ज्यादा हवा हो रही बहुत ज्यादा हवा हो रही छत के ऊपर और हमारे घर में ना सबसे ज्यादा हवा होती है भाई। और मैं सोच रही थी
मतलब कि जब तक टाइम 6:30-7 बजती है तब तक मैं मालूम क्या करती हूँ, सिलाई करती हूँ, जो कि सपना का सूट है सिलने के लिए उसे सिलती हूँ। सोच रही हूँ मैं, देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। वैसे तो मन नहीं करता यार आजकल मैं सिलाई करने का, पता नहीं क्यों नहीं करता है। अगर एक दिन बैठ गई ना सिलाई पे फिर सिलाई करने का मन करता है, अगर नहीं बैठी तो चुप है तो चुप है, तब तो मन ही नहीं करता है, पता नहीं ऐसे ही करके होता है। तो जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मामा जी भी चले गए हैं ड्यूटी आज, तो मामी जी को पूछा मैंने कि कहाँ पहुँचे मामा जी, तो उस टाइम पे मतलब ऋषिकेश भी नहीं पहुँचे थे, लेकिन अभी तक तो पहुँच गए होंगे ऋषिकेश, और हाँ ऋषिकेश नहीं अभी मतलब दिल्ली के लिए निकल गए होंगे वो एयरपोर्ट के लिए। तो क्या करें यार दोस्तों, जॉब जॉब तो करनी ही पड़ती है ना परिवार पालने के लिए, इस करके सो करके। तो चलो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं फेन करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, या अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं अनिता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।